हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे अपनी इंपॉर्टेंट क्लास होती है, जो कि होती है करंट अफेयर। सुबह 6 बजे से क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 24 घंटे 24 क्लासेस। देश के इतिहास में पहली बार पूरा स्केड्यूल आपको मिल चुका है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं इंडिया का, तो आप इस जो नया स्केड्यूल है इसको जरूर फॉलो करिएगा। परसों आपको लिए एक वीडियो बनाया गया था, उसके अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन सी क्लास कब लगने वाली है, या फिर आप वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हैं कि आपका एग्जाम की क्लास कौन से टाइम पे होने वाली है। उसके अकॉर्डिंगली आप अपना स्केड्यूल बना सकते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देश में चाहे कोई से भी एग्जाम दो, जीके एक ऐसा पार्ट है दोस्तों जो कि हर जगह काम आता है, और अगर एग्जाम में अगर आपके जीके नहीं है तो लाइफ में तो काम आती ही आती है। साथ में करंट अफेयर और जीके दोनों को कोरिलेट करके जिस तरीके से अपन अपनी करंट अफेयर को इंप्रोवाइज करते हैं, और मेरा गारंटी है दोस्तों, आपको 2-3 महीने एक बार लगातार देखिए, आप अपने आप को कुछ अलग ही महसूस करने लगेंगे, एक अलग ही लेवल पे आप अपने नॉलेज को लेके जाएंगे। आज भी वही करने वाले हैं। सबसे पहले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको पहले सैटरडे को दिए थे, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद चलेंगे आज के इंपॉर्टेंट सेशन के ऊपर, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक न्यूज, जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है हमारे और देश में दुनिया में जो जो हुआ, सभी को कवर अप करेंगे आने वाले आधे घंटे के अंदर। आपको इतना कुछ जानने को मिलेगा जो शायद ही आपने पूरे महीने के अंदर या पूरे साल के अंदर भी नहीं जाना होगा या नहीं समझा होगा। चाहे आप कितनी भी बुक्स इकट्ठा कर लीजिए, इतनी नॉलेज आपको हाफ एन आवर के अंदर कभी नहीं मिलेगी जो आपको आने वाले आधे घंटे के अंदर मिलने वाली है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है अपने सैटरडे का। पहला क्वेश्चन था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एक नेवल एक्सरसाइज हुई थी, नौसेना अभ्यास हुआ था, उसका नाम आपको बताना था। तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल सा क्वेश्चन था, काकाडू नाम था इसका। क्वेश्चन आपके आने वाले जो एग्जाम है उसके अंदर आ सकता है ये वाला। सेकेंड क्वेश्चन था कि जो प्रफुल्ल विधवाई स्मारक पुरस्कार 2018 किसको दिया गया है, तो ये क्या कौन थी, महाजन जी, अलका महाजन जी, अलका महाजन थी जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है आपका, कौन से स्टेट ने बिल पास किया है 3 नए राज्य को बनाने को लेकर, कौन सा था, अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है आपका कि कौन सी राज्य सरकार ने 6 महीनों के लिए AFSPA का विस्तार किया, अफसा का विस्तार किया। तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर दी थी, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है सैटरडे का तो देख लीजिएगा, अफसा के बारे में सब कुछ मैंने बताया था। तो आंसर क्या होगा, आसाम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि वहां पर अभी चल रहा है NRC, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, वहां पर सिटीजनशिप को लेकर अभी काउंटिंग हो रही है ना, तो इसीलिए वहां पर लगाया गया है। चलते आगे की तरफ, आर क्या है अरेरिया के अंदर, ये अटल इनोवेशन को लेकर था, आपको बताया था ना मैंने कि अपने एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है उनके इनोवेशन के अंदर रैंकिंग को बताने को लेकर और मोटिवेट करने को लेकर एक नई रैंकिंग स्टार्ट करी गई है HRD मिनिस्ट्री के द्वारा। कौन है अभी, प्रकाश जावेदकर जी है, ठीक है, तो उनके द्वारा, तो नाम क्या है उसका, ARIIA, तो अटल रैंकिंग, तो यानी कि बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, एशियाई खेलों 2018 में महिलाओं के 4x400 रिले में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक 4x400 के अंदर किसने, इंडिया ने जीता है। और दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आने वाला हूं जिसके अंदर आपको मालूम है एशियन गेम्स खत्म हो गए, तो एशियन गेम्स से रिलेटेड जितने भी नियर बाय 30 से 40 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो आपके लिए देने वाला हूं मैं आज आपको, जिससे क्या होगा कि आपको जितने भी क्वेश्चन आपके एशियन गेम्स से पूछे जाएंगे ना, वो सारे के सारे इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। तो मैं आपको पूरा का पूरा 15-20 मिनट का एक वीडियो दूंगा जिसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन अपन कवर कर लेंगे एशियन गेम्स से, किसने मेडल जीता, कौन से टाइम में, कौन सा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे वो लोग जिन्होंने इंपॉर्टेंट अपने स्पोर्ट्समैन जिन्होंने मेडल जीते, सबके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, आज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कल ही खत्म हुए एशियन गेम्स, ठीक है, 2 तारीख को खत्म हुए। मतलब चलते आगे देखते हैं, कमोडिटी डेरिवेटिव्स में किस बैंक ने व्यापार शुरू किया, तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में किसने, एक्सिस बैंक ने शुरुआत करी है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है आपका कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक ने साइन किया है एक एग्रीमेंट, कितने डॉलर का साइन किया है एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम को लेकर, तो कितना है, $300 का किया है, तो आंसर $300 मिलियन, $300 मिलियन का किया है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है, ठीक है, यहां पे मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन गलत था, यहां पे मैंने आपसे गोल्ड मेडल के बारे में पूछा था कि 800 मीटर का जो गोल्ड मेडल है वो किसने जीता है एशियन गेम्स में, तो वो कौन है, मनजीत सिंह जी है, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं आगे की तरफ, अगला सवाल है, विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNEP,
यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, नैरोबी केन्या के अंदर है, तो उसके सेक्रेटरी जनरल अभी कौन बनाए गए हैं, तो सत्य एस त्रिपाठी जी को बनाया गया है, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों देखते हैं आप कोट ऑफ द डे क्या है, नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस आई वर्क फॉर इट। तो आई सक्सेस में सक्सेस के सपने नहीं देखता हूं, मैं इसको लेकर मेहनत करता हूं, आई वर्क फॉर इट। ये एक ऐसे लाइन है दोस्तों जो कि रोज सुबह उठने से उठते हो ना जब आप, तो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि मेरे को सिर्फ सपने नहीं देखने सक्सेस के, मैं उसके लिए काम करता हूं, आई वर्क फॉर इट। अगर आप किसी भी चीज को लेकर काम करते हैं तो वो चीजें धीरे धीरे होने लगती है, और आने वाले टाइम में आपको जरूर देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से सुबह 6 बजे उठ के 8 बजे उठ के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इस सब का आपको आउटपुट देखने को मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर। तो सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा, जो लोग सपने देखने के अलावा उसको लेकर काम करते हैं वही रियल हीरो होते हैं, और आप अपनी लाइफ में रियल हीरो हैं अगर आप अपने सपने को लेकर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इसको जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें से ऐसी है जो कि लाइफ के अंदर बहुत चेंजेस ला सकती है। 2-4 दिन 7 दिन एक बार आप इसको बोल के तो देखिए, इंप्लीमेंट करके तो देखिए, बहुत चेंजेस आपको अपने अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं फर्स्ट पेज की तरफ। फर्स्ट पेज क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं आज के द हिंदू पे। हालांकि आपको मालूम है आज मंडे है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए संडे का द हिंदू कवर करूंगा, उसके बाद में मंडे का, तो 2 दिन का कवर करने वाले हैं, बहुत कुछ नया जानने वाले हैं। सबसे पहले संडे के दिन ज्यादा न्यूज थी एज कम्पेयर टू आज के अखबार के कंपेयर में, ठीक है ना। तो आज संडे में काफी कुछ जानने के लिए हमारे लिए। फर्स्ट पेज पे सबसे पहले राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट आया है साइमल्टेनियस पोल को लेकर, कि भाई जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे ना वो टाइम पे होंगे, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको मालूम है इस चीज को लेकर काफी बातचीत चल रही थी कि विधानसभा के इलेक्शन पूरे देश में और लोकसभा के इलेक्शन दोनों साथ में कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने बात बोली भी थी कि विधानसभा के और लोकसभा के दोनों साथ में कराए जाएंगे, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने अभी मना कर दिया है। साथ में अभी जो अपने इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है कौन, ओपी रावत जी, उन्होंने भी बात बोली थी कि इस बार ऐसा नहीं होगा, अगली बार देखते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनने वाले हैं इसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे केरला की थोड़ी सी बातचीत है कि यहाँ पे हिल्स में कुछ ट्राइब है, उन्होंने अपना जगह छोड़ दी है। इसके अलावा यहाँ पे बाकी और आईटी, हाँ तो अभी मालूम है 31 अगस्त थी लास्ट डेट आईटीआर फिल करने की, तो 71% लोगों ने ज्यादा आईटीआर भरी है। तो कुल मिला के यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ा सर्ज यानी कि इंक्रीमेंट देखने को मिला है आईटीआर के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जितने ज्यादा लोग टैक्स देंगे, आईटीआर भरेंगे, आईटीआर फिल होगी, उसी के बाद तो टैक्स लाइबिलिटीज के अंदर आओगे आप, ठीक है। तो हालांकि होता ही है कि इसके अंदर से 80-90% तो जीरो टैक्सेशन वाले होते हैं, लेकिन फिर भी आईटीआर फिल करना बहुत बड़ी बात है, मतलब इतने ज्यादा लोगों का, तो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना हमारे देश के लिए अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं लोकसभा के इलेक्शन को लेकर। तो यहाँ पे राजनाथ सिंह जी ने बोल दिया है कि जो 2019 के जो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, वो बिल्कुल टाइम पे ही करे जाएंगे, 15 मई तक हम पूरा का पूरा काम निपटा देंगे इस इलेक्शन को लेकर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मुद्दा क्या है, मैं आपको हमेशा अपन क्या करते हैं, पास्ट फ्यूचर, किसी भी न्यूज का तीनों चीजों को अपन डिस्कस करते हैं ताकि अपने पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले ये समझिए कि ये मुद्दा है क्या एक्चुअली में। देखिए होता क्या है कि अभी इलेक्शन होते हैं किसी भी राज्य के अंदर, तो 2 राज्यों में अभी हुए, 2 राज्यों में अगले महीने हो जाएंगे, 2 राज्यों में 6 महीने बाद में, तो पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन के अंदर क्या करती रहती है, जीतने के लिए वहां पर प्रमोशन करती रहती है। आपको मालूम है मोदी जी हर राज्यों का दौरा लगाते हैं, सारे मिनिस्टर दौरा लगाते हैं, पूरे देश में माहौल जो होता है वो पॉलिटिकल होता है। अभी इस राज्य में, फिर 2 महीने बाद किसी दूसरे राज्य में, फिर 2 महीने बाद, तो 5 साल के अंदर जो काम होना चाहिए देश के लिए वो हो ही नहीं पाता है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दे ही चलते रहते हैं। हर राज्य के नए मुद्दे पे नई पॉलिटिक्स, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी को यही काम करना है। तो अभी ये बात बोली थी इलेक्शन कमीशन ने, जिसको पीएम मोदी ने भी काफी प्रमोट किया था कि हम 7 में इलेक्शन करा के खत्म करते हैं और 5 साल हम फोकस करते हैं अपने डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी ने बात बोल दी, कांग्रेस को लगा कि इससे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है भी उसको बहुत फायदा पहुंचेगा, और उन्होंने इसको अपोज कर दिया। कई और पार्टियों ने भी इसको अपोज किया कि ऐसा नहीं करना है, ये चीज गलत हो जाएगी, डेमोक्रेसी के खिलाफ हो जाएगी, ये सब हो जाएगा, ओके। तो इसके ऊपर बातचीत उठ गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के अंदर पहले भी ऐसा होता था, 1965 तक, हमारे देश की आजादी के बाद तक, विधानसभा के और लोकसभा के इलेक्शन साथ में कराए जाते थे, ठीक है। लेकिन 68-69 के अंदर लोकसभा भंग हो गई, डिसॉल्व हो गई, डिसोल्यूशन हो गया उसका, उसके बाद में वो अलग अलग हो गए, हर राज्य के अलग अलग टाइम पे होने लग गए। अभी इसको वापस से कराने को लेकर बातचीत कराई गई थी। अब देखिए मैं आपको दोनों इसके फायदे और नुकसान बता देता हूं, क्योंकि कई सारे बच्चे होंगे जिनको इसका पॉजिटिव लगता होगा, कई सारे को नेगेटिव लगता होगा, तो मैं आपको दोनों साइड इसकी दिखा देता हूं कि क्या तो इससे फायदे और क्या इससे नुकसान है, ठीक है।
में क्या करंटली चल रहा है वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पे देखिए मैं आपको सबसे पहले इसके कुछ फायदे बता देता हूं कि इससे क्या फायदे होंगे। देखिए बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूं, अगर एक साथ इलेक्शन होते हैं तो विधानसभा के और लोकसभा के, सबसे पहले स्टेबिलिटी आ जाएगी गवर्नेंस के अंदर। सिंपल सी बात है ना कि गवर्नेंस 5 साल तक के लिए, चाहे वो किसी भी राज्य के अंदर सरकार हो चाहे वो केंद्र के अंदर सरकार हो, दोनों के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी कि भाई 5 साल के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस करना है, हमें इलेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है। दूसरा क्या होगा, इससे इट वुड रिड्यूस द मैसिव एक्सपेंडिचर, जो 4,500 करोड़ का जो पैसा लग जाता है ना पूरे साल के अंदर, मतलब हर राज्यों के अलग अलग, वो पूरा का पूरा उसके अंदर काफी फायदा मिल जाएगा, पैसे कम लगेंगे। हालांकि एक साथ एक बार में तो लग ही जाएंगे पैसे, जैसे कि अगर पहली बार जब होगा तब तो बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन ओवर द टाइम सरकार को फायदा पहुंचेगा अगर वो एक साथ इलेक्शन करवाती है तो। इसके अलावा बात करें एंटायर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, एक्टिविटीज जो है, हर राज्य में क्या होता है आचार संहिता लगती रहती है, बार बार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर स्टे लग जाता है, कभी क्या हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है वो गुड गवर्नेंस के ऊपर फोकस करेगी, ना कि किसके ऊपर फोकस करेगी कि भाई हमें इलेक्शन में आने वाले एक छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है वहां पे क्या करा जाए। पार्टियां फोकस करेगी गुड गवर्नेंस के ऊपर, राज्यों के ऊपर फोकस कम हो जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि एंटायर जो फंक्शनिंग होती है, आरएसआईएस ऑफिसर उनको उठा उठा के पटका जाता है, बार बार रैलियां निकलती है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है बार बार, वो सब हर राज्यों के अंदर खत्म हो जाएगी, ओके। और मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी इससे, बार बार इलेक्शन होते हैं तो नए नए राज्यों में नए नए ये होते हैं ना जो पार्टियों के जो लोग होते हैं वो बार बार वहां पे भेजे जाते हैं, ठीक है, वो सब कम हो जाएंगे, तो इससे एक बहुत बड़ा फायदा पहुंच जाएगा। अब नुकसान भी मैं आपको बता देता हूं, कुछ एक नुकसान क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो क्या होगा, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हो जाएगी इससे, ठीक है। इंडिया में ऑलरेडी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी तो है ही, लेकिन और ज्यादा हो जाएगी। स्टेट असेंबली के और लोकसभा के होने से क्या होता है, एक साथ होने से क्या होगा कि स्टेट के ऊपर जो फोकस है वो कम हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अच्छा काम नहीं किया है 5 सालों के अंदर, एक साथ इलेक्शन कराए जाएंगे तो क्या होगा कि जब लोगों के सामने दो ऑप्शन होंगे ना वोट करने के, तो लोग एक ही सरकार को वोट कर देंगे, उनको लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट सही है तो स्टेट को भी वोट दे दो, तो दो बटन आदमी एक ही पार्टी के दबाने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है अगर एक साथ इलेक्शन होते हैं तो, समझ गए। और एक ही पार्टी के आगे बढ़ने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लोकल मुद्दे हाइड हो जाएंगे इसके पीछे, अभी क्या होता है कि लोकल मुद्दों के ऊपर पॉलिटिक्स करी जाती है जब अलग अलग राज्यों के अंदर वो होते हैं तो, अलग लोकसभा के और विधानसभा के अलग इलेक्शन होते हैं तो, लेकिन कल को अगर एक साथ हो गए तो जो बड़े मुद्दे हैं वो ज्यादा हाईलाइट होंगे, लोकल मुद्दों के ऊपर बातचीत होना कम हो जाएगी। जैसे कि अभी दिसंबर में राजस्थान में इलेक्शन है तो क्या होता है, राजस्थान के मुद्दे छिड़े हुए हैं कि राजस्थान में क्या अच्छा क्या बुरा हुआ, लेकिन अगर एक साथ होंगे तो राजस्थान के मुद्दों पर बात कम, इंडिया के मुद्दों पर बात ज्यादा होगी। तो ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए वैसे तो, और बाकी पार्टियों ने ये कंसर्न जारी किया है, ठीक है, ये कंसर्न जारी किया है कि भाई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दोनों साइड मैंने आपको बता दिए क्या फायदे होंगे क्या नुकसान होंगे, अब आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ओके, कि क्या सही क्या फायदे हैं। हालांकि अभी अपने पास में ऑप्शन भी नहीं है साइमल्टेनियस पोल का, तो वो तो इलेक्शन कमीशन करेगा तभी जाके हो पाएगा, लेकिन मैंने आपको दोनों साइड बता दिए इसके। चलिए आगे देख लेते हैं, अब इसके अलावा नेक्स्ट जो है न्यूज वो भी देख लेते हैं क्या है, वो है अपने सीजीआई को लेकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहां पे क्या हो गया कि जो दीपक मिश्रा जी हैं हमारे अभी चीफ जस्टिस हैं, तो अभी उनका रिटायरमेंट आने वाला है, तो नेक्स्ट जो वो है अपने सीजीआई वो कौन बनने वाले हैं, वो उनका नाम आ रहा है किनका, राजन गोगोई जी का, जो कि सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के राइट नाउ, और 46 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, वो बन सकते हैं एंड इज सक्सेसर एंड द 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है बीसीआई जो है उनके चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा जी, उन्होंने लेटर भेजा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिश्रा जी को कि भाई रिकमेंड करने को लेकर कि अपने अगले कौन होंगे चीफ जस्टिस, वो यहाँ पे कौन होंगे, राजन गोगोई जी होंगे, ओके। तो आने वाले दिनों के अंदर में राजन जी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, देखिए थोड़ा बहुत और जान सकते हैं आप, अभी तो कौन थे दीपक मिश्रा जी थे, और अभी सेकंड सीनियर मोस्ट कौन थे, राजन जी थे, अब दीपक मिश्रा जी जो बन चुके हैं अब राजन जी बन सकते हैं। इसके अलावा बात करें और ये कब तक बने रहेंगे, 17 नवंबर 2019 तक ये बने रहेंगे, ठीक है, और अभी ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर और साथ में चीफ जस्टिस रह चुके हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर, और
ये सर दो तीन बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे की तरफ, अब चलते हैं पेज नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे भी एक दो इंपॉर्टेंट न्यूज है, तरुण महाराज जी की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो जैन मॉन्क और सभी लोगों के जो प्यारे जो है काफी अप्रिशिएट किया है पूरे देश ने तरुण महाराज जी के आइडियोलॉजी को, तो इनके बारे में न्यूज है, इनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। साथ में यहाँ पे एक डियर को लेकर न्यूज है, हिरण को लेकर, इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वो भी थोड़ा बहुत करते हैं। साथ में यहाँ पे विस्तारा एयरलाइंस के लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो इस पेज के ऊपर तीन इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि हमारे पेपर को लेकर है। सबसे पहले तो देखिए कि ये डियर है, इसका नाम क्या है, 1951 के अंदर ऑलमोस्ट खत्म होने वाले थे पॉपुलेशन, लेकिन इसको बचा लिया गया और इनका नाम है ब्रो एंड एंटलर डियर। क्या नाम है? ब्रो एंटलर डियर कहते हैं इसको, इसको डांसिंग बियर भी कहते हैं, ठीक है, इसको डांसिंग अक्का डांसिंग बियर भी कहते हैं मणिपुर के, ठीक है, डियर बियर बोल रहा हूं मैं, डियर है, ठीक है। तो डियर जो है, क्या नाम है इसका, डांसिंग डियर भी इसको कहते हैं, और मणिपुर के जो बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर ही हमको देखने को मिलते हैं, मणिपुर के बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये डियर हमको देखने को मिलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है, काफी बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं इस डियर को लेकर, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 260 नियर बाय 260 के आसपास ही अभी तो काफी इंप्रूव हो गए, तो यहाँ के लोगों ने बोला है। अब मुद्दा क्या है, मैं आपको मुद्दा बता देता हूँ। एक्चुअली में इनका सेकेंड होम तलाशने की कोशिश करी जा रही है कि भाई इनको किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सके। अब यहाँ के जो लोकल लोग हैं, एक्टिविस्ट, उन्होंने कहा है कि भाई हमारे पास में बिशनपुर के अंदर यही तो एक चीज है जिससे हम क्या हो रहा, हमारे प्रमोशन होता है, टूरिज्म होता है, अब आप इसको भी कहीं और शिफ्ट करो तो हमारे रोजगार की दिक्कत हो जाएगी। तो इसको लेकर यहाँ पे काफी प्रोटेस्ट हो रही है, रैलियां निकल रही है, और यहाँ पे ये मुद्दा बना हुआ है, इसलिए ये न्यूज के अंदर आया है। और अगर न्यूज के अंदर आया तो हमारे एग्जाम के अंदर भी आता है, ये तो आपको मालूम ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। मणिपुर के अंदर मिलते हैं बिशनपुर के अंदर ये डांसिंग डियर, और इनको कहते हैं ब्रो एंटल्ड डियर कहते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं जो जैनिज्म के जो मॉन्क है तरुण महाराज जी, उनकी दिल्ली के अंदर अभी डेथ हो गई है, तो काफी पूरे देश के अंदर एक सैड न्यूज है जो कि चलिए 51 साल की इनकी उम्र थी। और थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं, ये दिगंबर मॉन्क थे, आपको मालूम है जैनिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये दिगंबर मॉन्क थे, और इनका जन्म जो हुआ था वो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था 1967 26 जून को, और अभी 1 सितंबर को इनकी डेथ हुई है न्यू दिल्ली के अंदर। इसके अलावा इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है कड़वे वचन। कड़वे वचन के अंदर उन्होंने सोसाइटी के अंदर जो खराब चीजें हैं, जो डाउरी है, जो और भी कई तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके सबके बारे में डिस्कशन किया है। तो काफी सही बातें बोला करते थे जो सोसाइटी में गलत चल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जैन जो लोग जैन कम्युनिटी के लोग इनको फॉलो किया करते थे, नॉन जैनिज्म के चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी कम्युनिटी के लोग हो, सभी इनको बहुत प्रेज किया करते थे। ओके, तरुण सागर जी के अगर आप लेक्चर सुनेंगे तो काफी मोटिवेटिंग और काफी सही होते हैं अगर एक आइडियोलॉजी की बात करें तो। जैनिज्म के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछते हैं बताइए पहले तीर्थंकरा कौन थे, तो ऋषभदेव पहले तीर्थंकरा थे। सिंबल क्या है, बुल इनका सिंबल था। 24वें तीर्थंकरा लास्ट कौन थे, भगवान महावीर जी थे, जिनका सिंबल क्या था, लायन था, ठीक है। 599 बीसी के अंदर ये वैशाली के अंदर कुंदा ग्राम में इनका जन्म हुआ, एंड और इनको जो एनलाइटमेंट हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो साल ट्री के अंदर हुई। साथ में सुधा रमन जी जो है वो चीफ है अभी जैनिज्म के, आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर जी के डेथ होने के बाद में, अभी क्या मतलब महावीर जी के बाद में कौन बने, सुधर रमन जी को बनाया गया चीफ जैनिज्म का। साथ में बात करें तो आपको तीर्थंकर कौन होते हैं ये भी मालूम होना चाहिए, जिन्होंने निर्वाण का मिल गया है। अरहत कौन होते हैं, जो कि निर्वाण लेने वाले हैं। उपाध्याय होते हैं जो कि टीचर होते हैं, साथ में आचार्य जो हेड होते हैं इस ग्रुप के, साथ में साधु तो आपको मालूम ही है। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होती है। साथ में अभी 150 साल हो चुके हैं टाटा ग्रुप को, और टाटा ग्रुप के 150 साल होने के उपलक्ष्य के अंदर एक नई एयरलाइंस को लॉन्च किया गया है। नई एयरलाइंस को मतलब नए प्लेन को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और क्यों लॉन्च किया गया है दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि 1932 में देश की पहली कौन सी एयरलाइंस थी, वो थी टाटा एयरलाइंस, ठीक है। टाटा एयरलाइंस पब्लिक कंपनी बनी 1946 के अंदर, जिसका नाम रखा गया एयर इंडिया। तो विस्तारा एयरलाइंस जो है ना, वो टाटा ग्रुप की प्लस सिंगापुर एयरलाइंस की, दोनों ने साथ में मिलकर इसको शुरुआत कर रखी है। किसको, विस्तारा को। तो विस्तारा का प्लेन है, उसको पूरे के पूरा पेंट किया गया है सेपिया कलर के अंदर, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके का है। और देश के पहले कमर्शियल पायलट का जो इनके पास में लाइसेंस था, वो कौन थे, जीआरडी टाटा ही थे।
आपको मालूम है ना, तो उसी टाइम पे टाटा एयरलाइंस की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक प्लेन दिखेगा, तो ये नए कलर के अंदर बनाया गया है। यहाँ पे जो खाना मिलेगा वो जेआरडी टाटा की जो डिशेस है, उनकी जो फेवरेट डिशेस थी वो मिलेगा। तो इस तरीके से विस्तारा को पेंट कर दिया गया नए कलर में, क्योंकि 150वें एनिवर्सरी टाटा ग्रुप मना रहा है। और साथ में ठीक है, मैंने आपको बताई दिया कि देश की पहली एयरलाइंस तो यही थी, और साथ में पहले कमर्शियल पायलट धारक कौन थे, वो अपने जेआरडी टाटा थे। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगली तरफ, पेज नंबर 15 पे चलते हैं। यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो कि है अपने बीड़ी सिगरेट को लेकर। अब देखिए, बीड़ी सिगरेट की आपको बात बताता हूं, एक्चुअली होता क्या है आज के टाइम पे और पहले के टाइम पे। अभी देखिए होता क्या, आपको मालूम है अपने देश के अंदर बीड़ी सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, ठीक है, ये सब खाने के बड़े शौकीन लोग हैं, काफी कैंसर भी, पेशेंट भी बहुत ज्यादा है। तो अभी क्या हुआ था, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो चाय बीड़ी बड़ी फेमस उनकी वो हुआ करता था, टाइम स्पेंड करने का तरीका हुआ करता था। तो बीड़ी तो हो गई आउटडेटेड, उसकी जगह आ गई सिगरेट। सिगरेट लोगों की बड़ी पसंद बन गई, बाद में लोगों को पता लगा सिगरेट बड़ी नुकसान करती है। तो लोगों ने क्या किया, कुछ कंपनी थी उन्होंने क्या कर दिया, चलो एक काम करते हैं, सिगरेट नहीं करके चलो ई, जमाना क्या हो चुका है, ई हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, समझ गए, ईमेल आ चुके हैं उसकी जगह, अपने डाकिये की जगह हर जगह ई चल रहा है, ईमेल हो गए, ई एजुकेशन चल रहा है, आपको मालूम है ना, हर जगह फायदा होता ही है। हमेशा जब ई लग जाता है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन, तो उससे बड़ा फायदा पहुंचता है भाई। टेक्नोलॉजी से क्या होता है, फायदा ही पहुंचता है, ठीक है। तो फायदा पहुंच ही रहा था, तो जो ये कंपनियां थी सिगरेट बनाने वाली, जिनको ऊपर बड़े बड़े लेबल लगाए जा रहे थे जिनकी सेल को लेकर कि भाई कैंसर होता है, तो उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, आईटीसी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, कि क्या कर देते हैं, अपन इसको भी ई कर देते हैं, समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक बना देते हैं सिगरेट को भी। उससे क्या होगा, नुकसान बहुत कम होगा, क्योंकि आपको मालूम है इग्नोरेंस होती है, थोड़ा सा ज्ञान की थोड़ी कमी होती है, पब्लिक मार्केटिंग इतनी बढ़िया करते हैं कि सभी लोगों को उसकी पॉजिटिव साइड नजर आती है, नेगेटिव नहीं आती, क्योंकि नेगेटिव के लिए आपको नॉलेज चाहिए, और नॉलेज हमारे देश में बहुत कम दी जाती है, बस पास करने के लिए एग्जाम दी जाती है। तो हुआ ये कि काफी फेमस हो गई ई सिगरेट, आपको मालूम है ई सिगरेट आती है जिससे धुआं भी निकलता है, लोगों को लगने लगा कि यार ऐसी सिगरेट बना दी गई है ये तो, जिससे नुकसान भी नहीं पहुंचता है और सिगरेट का पूरा फील भी आ जाता है। तो चीजें ऐसे बदल गई, तो ई सिगरेट आ गए, ई वो आ गए, सिगार आ गए, जिससे काफी प्रमोट किया, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे काफी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे पता लगने लगा कि इसके भी नुकसान बहुत है, वो भी आज भी साथ, मेरे ख्याल से 8-9 हज़ार बच्चे देख रहे हैं, तो 9,000 में से मेरे ख्याल से 8,000 लोगों को इसके आइडिया को पता भी नहीं होगा कि कितने नुकसान होते हैं इसके। मेरे ख्याल से 500,000 तो ने तो भी इसको यूज भी किया होगा। तो देखिए एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको, होता क्या कि 2 से 4 मिलीग्राम निकोटीन होता है आपके एक सिगरेट के अंदर, ठीक है, लेकिन उस निकोटीन के अंदर ही, निकोटीन को एक केमिकल के अंदर कन्वर्ट करके ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है ना उसके अंदर डाल दिया जाता है, जो कि अगर मैं निकोटीन की मात्रा उसमें निकालू ना तो 10 मिलीग्राम तक आती है। बस फर्क इतना है कि जो तंबाकू है वो सिगरेट बीड़ी के अंदर डायरेक्टली होता है, निकोटीन जो तंबाकू के अंदर निकोटीन होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, तंबाकू ना होकर केमिकल के अंदर निकोटीन इसके अंदर डाला जाता है, जो कि 10 मिलीग्राम तक होती है। तो कुल मिलाकर नुकसान क्या हो गया, दोगुना हो गया, लेकिन प्रमोशन इस तरीके से होता है, ठीक है, लोगों को बताया इस तरीके से जाता है कि इसका कोई नुकसान ही नहीं है। तो इसको लेकर गवर्नमेंट अभी ने एक नोटिफिकेशन जारी करा है, अभी 28 अगस्त को ही नोटिफिकेशन जारी किया है पूरे राज्यों के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा, कि इस तरीके की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, सेल करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, इंपोर्ट करना, ट्रेड करना, एडवर्टाइज करना, इन सभी को बैन कर दिया गया है, ठीक है। इनको बोलते हैं अपन एंड्स, ई एंड डी एस, पेपर में ये बोलेंगे कि बताइए एंड्स क्या है, तो समझ में नहीं आएगा भाई, एड्स तो सुना है, एंड्स क्या आ गया नई चीज, ऐसे ऐसे लगेगा आपको। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, वापस से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम एंड्स, इस एंड को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, समझ गए। तो किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन अगर आप डिलीवर कर रहे हो तो वो बैन कर दिया गया है, क्योंकि इसके नुकसान होते हैं। अक्सर क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं पेरेंट्स को, अरे ये तो इलेक्ट्रॉनिक है सिगरेट, नहीं नुकसान पहुंचती, तो ऐसे करते करते बेवकूफ बना देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअली में। दुनिया के 30 देशों के अंदर इसको ऑलरेडी बैन कर रखा है, लोगों को एनआरटी के तौर पर दी गई है, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पर बताई गई और दी गई, लेकिन ये थेरेपी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का भ्रम है जो कि सोसाइटी के अंदर फैला गया है। ओके, तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे सारी की सारी बातें, और ठीक है, तो अगली बार ऐसी गलती मत करना। और भी कई बड़ी बड़ी कंपनी, आईटीसी है, एक कंपनी और है पीएमआई नाम से, फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल, तो वो भी इसके ऊपर काम कर रही थी। ई सिगरेट को एक और नाम दिया जाता है ईओन,
EON, इसको ये भी नाम दिया जाता है, समझ गए ना, इलेक्ट्रॉनिक ई सिगरेट बोलते हैं इसको। तो ये उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। एक नाम और होता है IQOS, तो ये सारे के सारे एक ही बात है, समझ गए, सबका मतलब क्या होता है, ई सिगरेट होता है। तो काफी ज्यादा देश में दुनिया में फैल रही है और अभी इसको भारत में तो बैन कर दिया गया है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं, क्या है जानने के लिए, हमारे पेपर के लिए, हमारे नॉलेज के लिए। अब यहाँ पे चलते हैं स्पोर्ट्स पेज के ऊपर, पेज नंबर 17 पे। तो भारत की काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, एशियन गेम्स खत्म हो चुके हैं। मैं आपको बोल चुका हूं कि आज मैं आपको एक वीडियो दूंगा एशियन गेम्स का, जिसके अंदर आपको 30-40 क्वेश्चन दूंगा, उसके बाहर आपके देश के किसी भी पेपर के अंदर कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। 40-50-30 से लेकर 50 क्वेश्चन तक का एक वीडियो बना के दूंगा, जिसके अंदर हम सारा डिस्कशन कर लेंगे एशियन गेम्स के बारे में। चलिए जान लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहले तो रानी रामपाल जी को ध्वजवाहक बनाया गया है क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर। जब ओपनिंग सेरेमनी थी तो वहां पे कौन थे ध्वजवाहक हमारे, वो थे नीरज चोपड़ा जी। और यहां पे क्लोजिंग सेरेमनी जब हुई है तो क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर कौन बनाई गई है, रानी जी बनाई गई है, रानी रामपाल जी, ठीक है, हमारी कैप्टन है ना इंडियन वुमेन टीम की, तो इनको बनाया गया है ध्वजवाहक। तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है, हालांकि मैं आपको करवा दूंगा अभी जब मैं आपको पूरा का पूरा वीडियो प्रोवाइड करूंगा। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं आप बॉक्सिंग के अंदर भी यहाँ पे मेडल मिला है हमको, बॉक्सिंग के अंदर कौन सा मेडल मिला है ये भी देख लेते हैं। गोल्ड मेडल हमें मिला है और गोल्ड मेडल किन्होंने दिलाया है, अमित जी ने दिलाया है, ठीक है। तो इन्होंने काफी स्टडी करी पहले के ओलंपिक वीडियोस के ऊपर और यहाँ पे फाइनली ओलंपिक के बॉक्सिंग के अंदर हमको गोल्ड मेडल देखने को मिला है, अमित फंगाल जी इनका नाम है। तो इन्होंने काफी बड़े अपनी रैंकिंग हाई रैंकिंग प्लेयर को हराया है। चलते आगे की तरफ, यहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता हॉकी के अंदर, ओके। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे पेज नंबर 12 के ऊपर क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहली बात तो यूएसए ने मना कर दिया कि हम $300 मिलियन पाकिस्तान को नहीं देंगे। एक मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख रुपए होते हैं, मालूम है ना आपको। एक बिलियन में कितने होते हैं, 100 करोड़ होते हैं, ठीक है। छोटी छोटी सी बातें, गलती मत कर देना, बच्चे मजाक उड़ाएंगे वरना, ठीक है। साथ में देखते हैं यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है कि यूएस के नए कमांडर सेलेक्ट करे गए हैं, कौन है, जनरल स्कॉट मिलर है, जो कि कौन है, अभी नए कमांडर है यूएस के और नाटो फोर्सेस के, ये पर्सन है। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। अब चलते हैं आज के हमारे अखबार के ऊपर, आज के मंडे के न्यूज़पेपर की बात करूं तो यहां पे सबसे पहले तो इंडिया और यूएसए की 2+2 मीट है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इन्होंने कहा है कि यहां पे, ठीक है, केसीआर ने बोला है कि यहाँ पे अभी जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं अपने आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले रीजन के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, तेलंगाना वाले के अंदर एक्चुअली के अंदर, ठीक है, तेलंगाना के अंदर इलेक्शन को लेकर इन्होंने बात बोली है सपोर्टर को यहाँ पे। तो इसके अलावा यहाँ पे रोहिंग्याज को लेकर रिपोर्ट आई है यूएन ऑफिशियल की कि इनकी कंडीशन बड़ी खराब है। रोहिंग्या मालूम है ना आपको, म्यांमार वाला जो मुद्दा था पहले मैंने पूरा समझा चुका हूँ उसके बारे में। क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में यहाँ पे है, एशियन गेम्स के बारे में, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए यहां पे चाइना नंबर वन, 132 गोल्ड मेडल, टोटल 289 मेडल। जापान दूसरे पे और भारत है अपने कौन से नंबर पे, 8वें नंबर पे, 15 गोल्ड, 24 सिल्वर, 30 ब्रॉन्ज, टोटल 69 मेडल। हालांकि पिछली बार से काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रही है भारत की, 69 गोल्ड मेडल। मेरे को एक्सपेक्टेशन थी 50-60 की, अगर मैं मतलब पूरी स्टडी करके बात करूं कि कितने बॉक्सिंग में आ सकते हैं, बैडमिंटन में आ सकते हैं या हमारे जो एथलीट में आ सकते हैं, तो 50-60 का एस्टिमेशन था, लेकिन 69 है, तो इसका मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, ओके। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। इससे पहले भी देखिए 6ठे नंबर पे था 2010 के अंदर भारत, 65 मेडल थे। उससे पहले 5वें नंबर पे था न्यू दिल्ली के अंदर, 57। तो मैक्सिमम मेडल अभी तक हमने जीते हैं हमारे एशियन गेम्स के अंदर भारत ने, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, रैंकिंग वैंकिंग पेपर में पूछी जाती है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे पेज नंबर 11 की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 11 की बात करें, यहाँ पे एक बात और बता देता हूं मैं आपको, ये 2+2 मीटिंग क्या है, ये 2+2 भारत के और यूएसए के बीच में मीटिंग है। भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस, ये दो लोग रिप्रेजेंट करेंगे और यूएसए से भी ये दो लोग रिप्रेजेंट करेंगे, एक डिफेंस का हेड हो गया और एक एक्सटर्नल अफेयर का हेड हो गया, ठीक है। तो हमारे जो बिजनेस को लेकर बातचीत करेंगे और साथ में डिफेंस के किस तरीके से हम एग्रीमेंट आगे बढ़ाएं उसको लेकर बात करेंगे, ठीक है, सिक्योरिटी को लेकर, डिफेंस के हमारे जो वेपन्स हैं उसको लेकर। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे पेज नंबर 11 पे, पेज नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे नीचे की न्यूज इंपॉर्टेंट है, ये वाली वेंकैया नायडू और जो अपने भागवत जी है इनको लेकर,
यहाँ पे देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे हैं वेंकैया नायडू जी, वो क्या होंगे? स्पीकर होंगे वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के अंदर। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस कहां पे होती है? शिकागो में। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। और अभी 7 से 9 सितंबर के बीच में होगी। ऑर्गेनाइज कौन करता है इसको? जो वहां की ऑर्गेनाइजेशन है वो करती है, और संघ परिवार भी इसमें एसोसिएटेड है साथ में। ठीक है, तो अभी क्या होने वाला है, 125वीं एनिवर्सरी है अपने जो स्वामी विवेकानंद जी है, और किसकी? जब उन्होंने पहली बार 1893 के अंदर जो एड्रेस किया था ना, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुई थी, तो उसको 125वीं एनिवर्सरी होने वाली है, तो उसके उपलक्ष्य के अंदर ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पहले यहाँ पे तुलसी जी थी जो कि इसकी हेड थी, लेकिन अभी उन्होंने अपना नाम लेके हटा दिया है। अभी MIT के प्रोफेसर कोठारी जी वो चेयरमैन है इस कॉन्फ्रेंस के, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेसर SP कोठारी जी है, MIT के प्रोफेसर हैं, तो वो यहाँ पे हेड कर रहे हैं इसको। पहले तुलसी दी थी और ये पेपर में आ भी चुका था, एक सवाल पेपर के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये तो मैंने आपको बताई दिया, जनरल स्कॉट वाली न्यूज तो मैंने आपको बताई दी है, ये तो इंपॉर्टेंट थी पेपर के अंदर। ठीक है, आप देखते हैं इकोनॉमिक्स टाइम के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है दो दिन के अंदर। पहले तो ये है कि आर माधवन जी जो है उन्होंने अज्यूम कर रहे हैं चार्ज CMD किसके, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, किसके? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल HAL के जो है, और हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर इसका, और इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके अंदर में काम करती है, और फर्स्ट PSU बन चुका है जो कि एक नए प्लेटफॉर्म है, ट्रेडेक्स प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर ये काम कर रहा है। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रख ली है। CMD भी मैंने आपको बता दिया है। अगले इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, सुनील मेहता जी है वो चेयरमैन अपॉइंट करे गए इंडियन बैंक एसोसिएशन के। तो ये बैंकिंग को लेकर आपके जो IBPS के पेपर है, SBI के पेपर है, उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और इन वीडियोस को शेयर किया करो, ठीक है, जितना हो सके शेयर किया करो, ताकि देश के अंदर सभी बच्चे अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। तो सुनील मेहता जी MD और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है PNB बैंक के, उनको नए चेयरमैन इलेक्ट करे गए हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन के। ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन के 2018-19 को लेकर, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलते हैं आगे की तरफ। अबाउट IBA की बात करें तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, इंडियन बैंक एसोसिएशन। इसको मैनेज कौन करता है? एक कमेटी है, मैनेजिंग कमेटी, और करंटली मैनेजिंग कमेटी में एक चेयरमैन है, 2 डिप्टी चेयरमैन है, एक सेक्रेटरी है, 26 मेंबर है। समझ गए ये सारी बातें हैं, तो उम्मीद है कि आप ये सब भी समझ गए होंगे। चलते हैं आगे की तरफ, PIB के इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। PIB की बात करें तो आयुष मंत्री, आयुष मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है 4th इंटरनेशनल आयुर्वेदा कांग्रेस, कहां पे? नीदरलैंड के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, PIB की इंपॉर्टेंट न्यूज है। ओके, चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं और क्या है इसके बारे में, थोड़ी बहुत और देख लेते हैं। आयुष मंत्री ने नीदरलैंड के अंदर इनॉग्रेट किया है। कौन है अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष? श्रीपद यासो नायक है, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है 4th इंटरनेशनल आयुर्वेद कांग्रेस, कहां पे? नीदरलैंड के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? इंटरनेशनल महर्षि आयुर्वेदा फाउंडेशन इसको ऑर्गेनाइज करवाती है। और कैपिटल ऑफ नीदरलैंड की बात करें तो एम्स्टर्डम है। करेंसी क्या चलती है? यूरो और USD वहां पे चलती है। आगे चलते हैं, ये स्पिन की इंपॉर्टेंट न्यूज है। न्यूजीलैंड के जो स्पिनर थे, क्या नाम है, मॉन-नीलसन, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है अपने हर एक क्रिकेट के फॉर्म से। ठीक है, इसके अलावा बात करें जिन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है अपने रिटायरमेंट का, तो झूलन गोस्वामी है, अपने इंडिया की फास्टेस्ट और दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर है, उन्होंने T20 इंटरनेशनल से। मिशेल जॉनसन है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर। मोहम्मद कैफ है, अपने इंडिया के क्रिकेटर, तो इन्होंने भी रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है अपने रिटायरमेंट का। आगे चलते हैं, साथ में देखते हैं मुंबई के जो न्यूरोसर्जन है, ठीक है, नेम्ड फॉर डॉक्टर BC रॉय अवार्ड। तो डॉक्टर BC रॉय अवार्ड किनको मिला है? इनको मिला है। ठीक है, क्या नाम है इनका? न्यूरोसर्जन है। ठीक है, तो मैं आपको बताया था थोड़ा डिटेल, BK मिश्रा जी है, न्यूरोसर्जन है, बड़े फेमस न्यूरोसर्जन है, तो इनको अवार्ड दिया गया है BC रॉय नेशनल अवार्ड, जो कि इनके कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेडिकल पर्सन ऑफ द ईयर के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो इनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट है अभी सर्जरी के, ये कहाँ पे? यहाँ पे कौन सा है, गामा नाइफ रेडियो सर्जरी मुंबई के अंदर, हिंदुजा हॉस्पिटल है ना उसके अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर। तो इनको ये ऑनर दिया गया है, 1962 में इसको स्टार्ट किया गया था, मेडिकल का हाईएस्ट ऑनर माना जाता है इसको, अगर आप बोलोगे ना। ठीक है, और कि कौन सा अवार्ड है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हाईएस्ट मेडिकल ऑनर है इंडिया का, जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देती है 1962 में, और प्रेसिडेंट ऑफ जो इंडिया है रामनाथ कोविंद जी, वो इस अवार्ड को देंगे। ठीक है, नेशनल डॉक्टर्स डे के ऊपर, कब? 1 जुलाई को, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं, RBI ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस, किसके? भीलवाड़ा महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का। तो RBI ने भीलवाड़ा महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया की इंपॉर्टेंट न्यूज है।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। पेपर में पूछेंगे आपके बैंक के एग्जाम में कि कौन सी बैंक का भी लाइसेंस कैंसिल किया है आरबीआई ने, तो भीलवाड़ा महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, इसका लाइसेंस किया है क्योंकि कैपिटल ज्यादा था नहीं, प्रोसेस अर्निंग भी ज्यादा थी नहीं इसकी, ठीक है। इसके अलावा अलवर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उसको भी अभी कैंसिल किया था, तो दोनों के नाम ही आपको ध्यान रखना है। अमेठी विलेज डिजिटल होने वाला है 1 सितंबर से, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है। अमेठी के बारे में आपको मालूम ही है, गांधी परिवार का सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, तो पिंडारा ठाकुर विलेज अंडर द अमेठी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आता है, जो कि राहुल गांधी के अंडर के अंदर है, तो वो फुली डिजिटल होने वाली है, ठीक है। तो 226 गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो पूरी की पूरी डिजिटलाइज वहां पे करी जा रही है। वाईफाई चौपाल, 2 GB फ्री डाटा 15 दिन के लिए, ये सब वहां पे अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण सेक्शन, जो कि था हमारे आज के दिन से और संडे और मंडे। तो उम्मीद है पिछले आधे घंटे के अंदर आपने बहुत कुछ जाना होगा, समझा होगा, इतनी नॉलेज आपको शायद ही कभी देखने को मिली होगी। डेली सुबह 8 बजे नोटिफिकेशन आए आपके मोबाइल में या नहीं आए, आपको आना ही है क्लास के अंदर, ठीक है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि देश में 24 घंटे 24 क्लासेस पहली बार इतिहास में करी जा रही, 24 से भी ज्यादा 25-26 क्लासेस आपके लिए कराई जाएगी। तो इतनी अच्छी प्रिपरेशन एजुकेशन कभी किसी को किसी देश में नहीं मिली है, इंडिया में मिल रही है, क्योंकि इंडिया का नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी चैनल आप सभी का परिवार है। और उम्मीद है कि जल्दी ये 4 मिलियन क्रॉस करेगा, तो आपके जो जो क्लासेस आप देख सकते हैं हमने शेड्यूल के हिसाब से, साथ में जो और इसके अलावा एक दो चीजें और है, जैसे कि मैं आपको 10 क्वेश्चन देके जा रहा हूं, इसके आपको आंसर करने हैं, ठीक है। साथ में जो जो नई क्लासेस है वो आपके आप देख सकते हैं शेड्यूल के अंदर और फॉलो कर सकते हैं। नई टी शर्ट आपने लॉन्चिंग देख ही ली होगी, उम्मीद है आपको टी शर्ट पसंद आई होगी, क्योंकि वाईफाई स्टडी ने बहुत मेहनत करी है आप सभी लोगों के साथ में यहां तक पहुंचने में, और आने वाले दिनों के अंदर 5 मिलियन भी जल्दी देखने को मिलेंगे आप सभी लोगों की मदद से। चलिए जाने से पहले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जा रहा हूं आपको। पहला क्वेश्चन क्या है, सीएमडी कौन बनाए गए हैं अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के, एचएएल के। अगला सवाल है, तरुण सागर जी की रिसेंटली अभी डेथ हुई है, तो वो ही वाज़ द रिलीजियस गुरु ऑफ विच रिलीजन, कौन से संप्रदाय के अभी वो गुरु थे, ये आपको बताना है। अगला है, कैपिटल आपको बतानी है नीदरलैंड की क्या है। चौथा क्वेश्चन है कि कौन से बैंक का लाइसेंस रद्द करा गया है आरबीआई के द्वारा। अगला सवाल है, नेशनल डॉक्टर डे किस दिन मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, हु हैज बीन स्वॉर्न इन एज ए फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इन पाकिस्तान। अभी कुछ दिन पहले का क्वेश्चन है, मैं आपको वापस चाहता हूं कि आप रिवाइज करो ऐसे क्वेश्चन को। तो फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इन पाकिस्तान की कौन बनाई गई है। अगला सवाल है, फोर्थ इंटरनेशनल आयुर्वेदा कांग्रेस 2018 कहां पे होगी, ये आपको बताना है। अगला सवाल है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सेक्रेटरी अभी कौन अपॉइंट करे गए हैं, इस्पात मंत्रालय के नए नियुक्त सचिव कौन है। अगला सवाल है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन इंडियाज ओनली बॉक्सिंग गोल्ड एट द 18 एशियन गेम्स, अभी रिसेंटली बॉक्सिंग का एकमात्र गोल्ड किसने जीता है, ये आपको बताना है। और अगला सवाल है, नेपाल भारत मंत्री पशुपति जो धर्मपाल जी है वो रिसेंटली यहाँ पे विच इज द न्यू रिसेंटली लोकेटेड ऑन विच बैंक ऑफ द रिवर, तो नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला जो हाल ही में समाचार में है किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपको बताना है। एक पशुपति धर्मशाला है, एक धर्मशाला है, वो कौन सी नदी के ऊपर है ये मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको कल इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चन के साथ में करे जाएं तो ज्यादा बेहतर होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन के ऊपर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोटिफिकेशन मिले या ना मिले, आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, आपको अपनी नॉलेज गेन करनी है, सुबह 8 बजे लाइव मोबाइल पर जरूर आइएगा ताकि आपको अच्छी प्रिपरेशन हो सके। चाहे देश का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, पीएससी, सभी के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। साथ में अगली क्लासेस 5 मिनट के अंदर आपकी वोकैबुलरी की स्टार्ट होने वाली है। अगर आप वोकैबुलरी आपके अच्छी नहीं है तो आपको एक ट्रिक के साथ में वोकैबुलरी आप अच्छी कर सकते हैं। आने वाले 5 मिनट में आपकी वो क्लास आने वाली है। थैंक यू।